नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ABTech में। दोस्तों आज है 18 अगस्त 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की इस पहली अपडेट से BEO परीक्षा को लेकर के। लिखा है BEO परीक्षा का एक और सॉल्वर हुआ गिरफ्तार, 30,000 रुपये में हुई थी बात, फर्जी प्रवेश पत्र बरामद, गैंग पर कसा शिकंजा, सरगना की हो रही है तलाश। दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि जिस दिन BEO परीक्षा हुई थी उस दिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 1 लोग को कल फिर गिरफ्तार किया गया है। ये जो नया आरोपी है ये गिरफ्तार हुआ है प्रयागराज के झलवा स्थित एक सेंटर से। इस सेंटर का नाम है गुरु माधव प्रसाद शुक्ला बालिका इंटर कॉलेज ADA कॉलोनी झलवा। यहाँ पर परीक्षा हो रही थी, परीक्षा के दौरान जो वहाँ के प्रधानाचार्य थे उनको लेकर के कुछ संदेह हुआ, उन्होंने तुरंत बुलाया पुलिस को और इसकी तुरंत गिरफ्तारी करवा दी। अब इससे पूछताछ की जा रही, वहीं पर दोस्तों इनका इसका जो मेन सरगना है उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा ये आशंका है कि कई जिलों में कोचिंग संचालक का नेटवर्क फैला है तो कहीं उसका ही यहाँ पर सब कुछ खेल तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे लोग गरीब छात्रों को फंसाते हैं जाल में। सॉल्वर ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दिमाग से होशियार होते हैं और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, यानी गरीब होते हैं, इस वजह से इनको लालच देते हैं पैसे का और उसके बाद इनको फंसा लेते हैं और उसके बाद एक बार सक्सेस हो गए तो फिर हर परीक्षा में उसी से सॉल्वर का काम करवाते हैं और बेचारे गरीब लोग होते हैं जो थोड़े से पैसे के लालच में फंस जाते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अगर रिजल्ट की बात करें तो लिखा है प्री का रिजल्ट जल्द समय पर होगा मेंस। आप लोग जानते हैं कि इसकी मुख्य परीक्षा का भी कार्यक्रम प्रस्तावित हो गया है, शेड्यूल है परीक्षा 6 दिसंबर को BEO की मुख्य परीक्षा होगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि परीक्षा बिल्कुल नियत समय पर होगी, आप लोग अपनी तैयारी रखें। और जो इसका रिजल्ट है खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा को समय से कराने की पूरी तैयारी है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोगों ने परीक्षा दिया है अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। बात कर लेते हैं कांस्टेबल भर्ती की। दोस्तों यहां पर बात हो रही है कांस्टेबल CAPF NIA SSF राइफलमैन GD असम राइफल्स भर्ती 2018 की, जिसकी SSC के थ्रू भर्ती आई हुई थी। तो कुल मिलाकर के इनका जो चिकित्सीय परीक्षा है वो 24 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक कराया जाएगा। आपको बता दें आधे से अधिक अभ्यर्थियों का मार्च में ही कराई जा चुकी है चिकित्सा परीक्षा, लेकिन कुछ अभ्यर्थी रह गए थे जिनका कोरोना के कारण लॉकडाउन लग जाने से इनकी परीक्षा नहीं हो पाई थी, तो अब इनकी चिकित्सीय परीक्षा 24 अगस्त से करवाई जाएगी। वहीं पर UP कैटेट की बात कर लेते हैं, तो UP कैटेट परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहले दिन 16,027 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा UP कैटेट 2020 का आयोजन 6 शहरों में किया जाएगा। स्नातक और परास्नातक एवं PhD की 2,699 सीटों पर 20,217 छात्र परीक्षा देंगे। तो फिलहाल आप लोग कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए यहां पर परीक्षा दीजिए। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं कल ही TGT PGT को लेकर के एक सूचना आई थी, लेकिन उससे पहले ये सूचना आ चुकी है कि 4 साल बाद शुरू होगी TGT PGT की भर्ती। और कब विज्ञापन आएगा इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। लिखा है प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT की भर्ती शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। अगस्त के अंत में या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। 18,000 से 20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पिछले साल ऑनलाइन से 40,000 पदों की सूचना मिली थी, लेकिन सत्यापन करने के बाद पदों की संख्या लगभग आधी रह गई है। ठीक है, तो फिलहाल इनका कहना है कि चयन बोर्ड को 22,000 शिक्षकों की सूचना मिली थी, इसमें से कुछ पद 2 बार आ जाने के कारण उनका जो मतलब वेरिफिकेशन है कराया गया, इसलिए अब लगभग 18,000 से 20,000 यहाँ पर पद हो सकते हैं। आप सभी के लिए एक अच्छी अपडेट है कि आप लोगों की भर्ती अगस्त के अंत या सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगी,
विज्ञापन इसका जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जैसी अपडेट आप लोगों को आती रहेगी इस भर्ती को लेकर के आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे दिया लिखा है यहाँ पर पहली बार मिलेगा 10% EWS आरक्षण। ठीक है, EWS आरक्षण भी दोस्तों मिलेगा। इसके लिए चयन बोर्ड ने अपने नियमावली में संशोधन भी कर लिया है। ठीक है, जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं पर दोस्तों इस बार फीस में भी बढ़ोतरी की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है हर वर्ग के आवेदन शुल्क में हुई है वृद्धि। सामान्य OBC के लिए ₹700 होगा, SC के लिए ₹400 होगा, ST के लिए ₹200 होगा और जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये अपडेट हो गई TGT PGT भर्ती की। बहुत अच्छी अपडेट है। अगर सबको ठीक ठाक डर रहा तो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं तो लिखा है 3 विषयों में 7 और नए शिक्षक मिल गए। कल 3 विषयों में 7 शिक्षकों का चयन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। फिलहाल जिनका कल चयन हुआ उनको 21 दिन के अंदर ज्वाइनिंग लेटर मतलब ज्वाइन करने के लिए कहा गया और उनके नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। JEE और NEET परीक्षा की बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना के कारण साल बर्बाद नहीं कर सकते अभ्यर्थियों का, परीक्षा नियत समय पर होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और यहां पर सभी राज्यों के अभ्यर्थियों ने एक तरीके से इसमें अपील की थी कि परीक्षाएं रद्द की जाएं, पोस्टपोन्ड की जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों का भविष्य नहीं एक साल खराब कर सकते हैं, इसलिए परीक्षा बिल्कुल नियत समय पर होगी। आपको बता दें नीट UG की परीक्षाएं जो हैं 13 सितंबर को हो रही हैं और इसके अलावा जो JEE की परीक्षाएं वो भी अपना यहां पर हो रही हैं। ठीक है, 6 सितंबर से लेकर के 1 से 6 सितंबर के बीच JEE की करवाई जाएंगी। तो यहां पर ये कहा गया कि सुरक्षा के जो भी उपाय हैं वो किए जाएँ लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता कोरोना को लेकर के। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 26 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और 11 राज्यों से अधिक के विद्यार्थियों ने परीक्षा स्थगित करने के लिए अदालत में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है जीवन चलते रहना है, जीवन को आगे बढ़ना है, क्या कोरोना के कारण देश में सब कुछ रोक दिया जाए, बच्चों के एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए, ऐसा उन्होंने तर्क दिया। LT ग्रेड की बात कर लेते हैं दोस्तों। LT ग्रेड शिक्षकों को जल्द जिला आवंटन होने की उम्मीद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी मैंने कल ही आप लोगों को अपडेट दिया था कि विक्की खान ने कल मुलाकात की और सारी बातें बताई कि अगले एक सप्ताह के अंदर LT ग्रेड का जो कॉलेज चॉइस का लिए वेबसाइट है वो खोल दी जाएगी और आप लोगों को कॉलेज चॉइस करने का मौका मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी लोग चयनित हैं पहले से, उनके पति या पत्नी कोई भी, तो उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि उनको एक ही जिला आवंटित किया जाए। इसके अलावा जिनके घर में वृद्ध है, दिव्यांग है, उसका भी ध्यान रखने के लिए उनको होम डिस्ट्रिक्ट आवंटित किया जाएगा। ऐसी पूरी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो LT ग्रेड जिनकी रिजल्ट आ चुके हैं 13 विषयों के, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लोक सेवा आयोग की बात कर लेते तो लिखा PCS के 3 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीख में हुआ परिवर्तन। 3 अभ्यर्थी हैं, इनका 2 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 20 अगस्त को करवाया जाएगा जबकि एक का इंटरव्यू 21 अगस्त को करवाया जाएगा। और इन्होंने लिखित में प्रत्यावेदन दिया था, अपनी मजबूरियां बताई थी जिस कारण इनका इंटरव्यू डेट में परिवर्तन किया गया है। TGT PGT 2016 की बात कर लेते तो यहाँ पर लिखा है कि जिनका चयन हो गया है TGT PGT 2016 उनको सबको ज्वाइनिंग दी जाए। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीट नहीं है, यहाँ पर ट्रांसफर से पद भर गया, यहाँ पर प्रमोशन से पद भर गया, इस तरीके से जो बहाने बताए जा रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं अटेवा पेंशन बचाओ मंच की बैठक में इस बात पर नाराजगी जताई गई और DIO से शिकायत की गई प्रयागराज से कि इन सभी को ज्वाइनिंग दी जाए। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट है। आप लोगों को मालूम होगा कि शासन ने भी इनके लिए सूचना मांगी, जिनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही उनके लिए एक प्रत्यावेदन मांगे गए। आप लोग प्रत्यावेदन जरूर दें, उसका अलग से वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस कर दिया गया है। मोदी सरकार ने इसका नाम बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मंत्रालय ने वाराणसी के मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम
बदल करके अब बनारस करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये जानकारी सोमवार को अधिकारियों ने दी। वाराणसी में लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, तो फिलहाल इस स्टेशन का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम बनारस कर दिया गया है। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखा है स्कूल कराएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल व प्रोजेक्ट वर्क। अभी तक आप लोग जानते हैं ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू हुई हो गई है, लेकिन अब स्कूलों में यूपी बोर्ड सहित सभी प्रकार के स्कूलों में ऑनलाइन प्रैक्टिकल और ऑनलाइन प्रोजेक्ट वर्क भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये फिलहाल अपडेट है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात कर लेते हैं, तो इसकी परीक्षाएं हो रही हैं, 2 सितंबर से इसकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। लिखा है परीक्षा केंद्रों में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जहां पर परीक्षा केंद्र वहीं पर परीक्षाएं होंगी, और इन अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। छात्र संशोधित टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा देंगे और उसी प्रवेश पत्र से इनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी भी बदलाव हुआ, तो उनको प्रवेश पत्र अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, यूपी बोर्ड ने कल एक लेटर जारी किया हुआ है, और यूपी बोर्ड कहें या कहें शिक्षा निदेशक की तरफ से लेटर जारी हुआ है, और 9 से 12 तक के सभी क्लासों की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी डीडी यूपी चैनल से और स्वयं प्रभा चैनल से, इसके अलावा जियो टीवी ऐप से। ठीक है, इसका पूरा यहाँ पर कार्यक्रम दिया गया है कि कब कौन सी क्लास आएगी, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी का पूरा डाटा दिया गया, कौन सी क्लास किस चैप्टर की कितने बजे आएगी। तो जो भी छात्र 9 से 12 के बीच में है, यूपी बोर्ड का अपना इसी कार्यक्रम के अनुसार पढ़ें, अपनी तैयारी करें टीवी के माध्यम से। ठीक है, फिलहाल अगर ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।